अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान स्पेशल मटन कीमे के समोसों की रेसिपी। तो चलिए समोसे बनाना शुरू करते। तो यहाँ सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून तेल। तेल थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, ये हम इसमें डाल देंगे। इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 5 बड़ी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छी तरीके से नरम हो जाए इस तरीके से प्याज को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 200 ग्राम मटन का कीमा। मैंने यहाँ बारीक वाला कीमा लिया है। अगर आपको मटन कीमा नहीं यूज़ करना है तो आप चिकन का भी कीमा इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेंगे। कीमे को मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ कीमे को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। कीमा और प्याज का पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब इसमें डालेंगे, यहाँ मैंने लिया है पूरा 1 बंच सेपू का। सेपू की भाजी हम इसमें डाल देंगे। इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ भाजी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ सब्जी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। कीमे और सब्जी का पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है। इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। इसे अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे, क्योंकि हम समोसों को फ्रीज करेंगे इसीलिए इसे अच्छी तरीके से ड्राई कर ले। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। यहाँ हमारी समोसों की फिलिंग अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मैदा, आधा कप पानी डालकर मैदे की स्लरी बनाकर तैयार कर ली, इसे साइड में रख लेंगे। यहाँ मैंने ली है रेडीमेड समोसा पट्टी। 1 पट्टी हम ले लेंगे, इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने जो फिलिंग बनाकर रखी थी 1 टेबलस्पून जितनी हम इसमें फिलिंग इस डाल देंगे। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जो हमने मैदे की स्लरी बनाकर रखी थी इसे अच्छी तरीके से इस पे लगा देंगे। इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ से चिपका लेंगे। मैदे की स्लरी इसमें अच्छे से लगा ले ताकि समोसे तेल में खुले नहीं। इस तरीके से समोसे को बनाकर तैयार कर ले, जिस तरीके से आपको आसान लगे समोसा बनाने के लिए। यहाँ मैंने एक समोसा बनाकर तैयार कर लिया, इसी तरीके से सारे समोसों को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इसे फ्रीजर में रखें महीने भर के लिए, ज़िपलॉक बैग में, एयरटाइट कंटेनर में। आप इस समोसों को तुरंत ही फ्रीजर से निकाल के फ्राई कर ले। आप इस समोसे की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे बताएं आपको ये समोसों की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने रखा है तेल। तेल को मैंने मीडियम गरम कर लिया है। एक एक करके समोसों को डाल देंगे। इसे मीडियम हाई फ्लेम पे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे।
यहाँ मैंने समोसों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, अब इसे निकाल लेंगे। इसे सर्व करें हरे धनिया की चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ। आप भी समोसों की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।